एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें जो नंबर्स दिए हैं इनको रेशनल और इरेशनल बताना है। ऐसा पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है, इसमें नए कॉन्सेप्ट भी कुछ मिलेंगे। रेशनल इरेशनल की डेफिनेशन पड़ी है, इसको थोड़ा सा समझें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 - √5। अब 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का अंडर रूट जो होता है वो इरेशनल होता है। अब एक कॉन्सेप्ट इस हर देखने की क्या है कि रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। क्योंकि ए रेशनल है, ए इरेशनल है, यानी रेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो इरेशनल आएगा। तो पहला कौन सा है? पहला इरेशनल नंबर है। सेकंड, 3 + √23 - √23। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 + √23 - √23। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो क्या आएगा? 3। अब हम सब जानते हैं नंबर हो तो उसके नीचे 1 तो माना ही जाता है, तो ये क्या है? P/Q के फॉर्म में आ गया है, इसलिए ये क्या है? ये रेशनल है। सेकंड क्या है? रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 √7 / √7। इसको भी सॉल्व करते हैं तो क्या किया जाएगा? 2 √7 / √7। तो ये 7 √7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2/7, जो क्या है? P/Q के फॉर्म में है, मींस ये रेशनल है। फोर, 1/√2। 1 क्या है? ये रेशनल नंबर है। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। √2 एक इरेशनल नंबर है। एक नया कॉन्सेप्ट इसमें समझें आप, यदि रेशनल अपॉन इरेशनल यदि है तो ये इरेशनल होगा। क्या कॉन्सेप्ट आया? यदि रेशनल में से इरेशनल माइनस हो तो इरेशनल आता है, और रेशनल अपॉन इरेशनल हो तो भी इरेशनल ही आता है। ये होगा 4th का आंसर। 5th, 2 × π। अब इसको सॉल्व करें, पहले देखें 2 क्या है। 2 एक रेशनल नंबर है, और पाई क्या होता है? पाई इरेशनल होता है, मींस रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो क्या आता है? इरेशनल आएगा। दिस इज द आंसर। मींस यदि किसी में मल्टीपल हो इरेशनल का, किसी में डिवाइड हो इरेशनल का, प्लस हो इरेशनल, तो वो इरेशनल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये दिए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्या है? 3 + √3 (2 + √2) ए भी ब्रैकेट में है, तो इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे करके देखते हैं। इसको हम ए मानेंगे, इसको बी, ये समझने के लिए है। इसको ए, इसको बी, ये भी इससे अलग हैं, तो इनको सी और डी। अब ए प्लस बी और सी प्लस डी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कैसा कर देंगे? 3 × 2, इस 2 का दोनों में मल्टीपल, प्लस 2√3, दोनों में मल्टीपल कर दिया, प्लस
अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो रूट टू इंटू थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री। पहले टू का इन दोनों में मल्टीपल किया, फिर रूट टू का इन दोनों में मल्टीपल किया, ये क्या आ जाएगा, टू थ्री या सिक्स प्लस टू रूट थ्री प्लस रूट टू, और इधर ये थ्री इसको आगे लिख देंगे, प्लस इसका मल्टीपल होगा तो रूट सिक्स। तो आंसर क्या आया, सिक्स प्लस टू रूट थ्री प्लस थ्री रूट टू प्लस रूट सिक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में थ्री प्लस रूट थ्री, सेकंड ब्रैकेट थ्री माइनस रूट थ्री, इनको भी ए और बी में करते हैं, ये ए हो गया ये बी हो गया, इधर भी सेम डिजिट हैं तो ए हो गया ए बी हो गया, इधर माइनस लगा तो इसमें माइनस कर देंगे, इधर प्लस लगा तो इधर प्लस कर देंगे। अब एक फार्मूला हमें मालूम है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक फार्मूला होता है। तो ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या है, थ्री, तो थ्री स्क्वायर माइनस बी क्या है, रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर, इसको कैसा लिखेंगे, थ्री का स्क्वायर यानी थ्री थ्री या नाइन माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर यानी थ्री, और नाइन में से थ्री माइनस करेंगे तो सिक्स, ये इसका थर्ड। अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू और इनका स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसको कैसा लिखेंगे हम, इसको ये मानेंगे इसको बी मानेंगे, इधर प्लस और इधर स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपने एट्थ में पढ़ा होगा, एक फार्मूला है इसको याद रखना है। तो इसको ऐसा ही करेंगे तो क्या लिखा जाएगा इसकी जगह, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टू, ए रूट फाइव बी रूट टू प्लस बी स्क्वायर यानी रूट टू का, को सिंपलीफाई कर देंगे तो कैसा होगा, रूट फाइव का इसका क्या होगा, ये टू रूट, रूट के अंदर इनका मल्टीपल होगा तो फाइव टू जा टेन प्लस रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, टू और फाइव हो जाएगा सेवन, टू सेवन प्लस टू रूट टेन, ये इसका फोर्थ। रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव प्लस रूट टू, ऐसा ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये ए माइनस ए सॉरी ए माइनस बी और ये क्या है ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या याद रखना है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स रूट फाइव का स्क्वायर माइनस बी यानी रूट टू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये रूट फाइव फाइव हो जाएगा, रूट टू टू हो जाएगा, इक्वल टू फाइव माइनस टू मीन्स थ्री, ये इसका आंसर हुआ।